एंड उम्मीद यही करूँगा दैट यू आर गोइंग टू गेन इमेंसली फ्रॉम दिस सेशन एज वेल आज के इस सेशन से भी आप बहुत कुछ गेन करेंगे बहुत कुछ जानेंगे बहुत कुछ समझेंगे वो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा वुड लाइक टू मेक श्योर कि एक एक जो भी मतलब आस्पेक्ट्स हैं वो आपको समझाए जाएँ लगभग नो न्यूज़ आइटम्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे बढ़िया तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स हम लोग उसको डीकोड करेंगे बढ़िया से ठीक है बिफोर इवन स्टार्ट द सेशन सबसे पहले तो ऑफकोर्स हेडलाइंस की बात करते हैं हम लोग बात करेंगे इंडिया की यू नो वर्ल्ड टॉप आर्म्स इम्पोर्टर जो है वो बन जो है मतलब दो से दो के आंकड़े उसको हम लोग जब देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि इंडिया ने यहाँ पर टॉप किया है ठीक है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वुड ऑफकोर्स भी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो uh, नेंगल न लामा स्कीम है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की है क्या है ये स्कीम विल टॉक अबाउट दैट ऑफ कोर्स इंडिया भूटान फूड सेफ्टी एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से एटमोस्फेरिक रिसर्च जो टेस्ट बेड फैसिलिटी है एमपी में उसको इनोग्रेट किया है किरण रिजू जी ने तो बेसिकली ये क्या है फैसिलिटी यू नो वॉट एग्जैक्टली इज दिस ऑल अबाउट विल सर्टली बी ट्राइंग टू डी दैट एज वेल तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब हर एक चीज़ जो है वो हमने यहाँ पर ना सिर्फ समझती है बढ़िया से बल्कि हम लोग उसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे विल सर्टली बी यू नो अंडरस्टैंडिंग देम प्रिसाइसली और आई एम श्योर अबाउट वन थिंग एटलीस्ट कि आपको मतलब बहुत कुछ यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा बहुत कुछ यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा आई एम श्योर अबाउट दैट थिंग सो विल ट्राई टू यू नो मेक श्योर कि इसको और डेप्थ में समझे सऊदी अरेबिया ने वर्ड फर्स्ट एवर थ्री डी प्रिंटेड मॉस्क जो है वो अनवील किया काफ़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है न्यूज स्कॉर्पियन स्पीशी विद एट आइज एंड एट लेग्स जो है ये हमने थाई के नेशनल पार्क में देखा है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च पी एम सूरज पोर्टल uh, ये बात करेंगे क्या है हम लोग देखते हैं ऑनरेली डॉक्टरेट जो मॉन्डिश की यूनिवर्सिटी ने दौपदी मुर्मू जी यानी कि हमारे प्रेजिडेंट को दी है और गूगल गूगल इज पार्टनर विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियाज जनरल इलेक्शन कैसे पार्टनर किया है इसके बारे में भी बात होगी सो ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू भी सुपर इम्पोर्टेंट इट्स गोइंग टू भी सुपर इंटरेस्टिंग एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि आप आ, मतलब जो भी मैं यहाँ पे एस्पेक्ट्स आपके समक्ष रखता हूँ उनको आप अच्छे से पिक करेंगे यू विल सर्टली बी अंडरस्टैंडिंग देम प्रिसाइज़ली और उससे बहुत कुछ सीखने का जो मौका है वो जरूर आपको मिलेगा ऐसी मैं उम्मीद करूंगा सो so, मतलब इट्स ऑल अबाउट सी योर लर्निंग आपकी जो लर्निंग है वो होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर लर्निंग अच्छे से हो रही है दिस मीन आप यूर ऑन द राइट पाथ ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है ठीक है चलिए एनी वेज सो हैं आज के सेशन की बिफोर आई स्टार्ट द सेशन में आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ दैट राइट एट सेवन एम इन द मॉर्निंग हमारे पास क्या आता है डेली डोज ऑफ करंट अफेयर आती है फिर आप देखते हो ग्यारह बजे मैं लाइव आता हूँ बेटे क्लास लेकर और तीन बजे जो मेरी क्लास है वो होती है फ्री क्लास विच इज देयर ऑन द एमबाइब ऐप एमबाइब की ऐप पे मेरी फ्री क्लास होती है तो मैं आपको यही चाहूंगा कि आप हर एक क्लास का भरपूर फायदा लें हर एक क्लास को आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तभी जाके एक पूर्णतः जो एक क्लैरिटी होती है हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी होती है वो आपको मिल पाएगी सो वॉट आई वुड सर्टली बी वॉन्टिंग फॉर यू इज दैट यू हैव टू टेक हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग तो उसके लिए आपको यहाँ पर मतलब एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है सो so वही मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ हमेशा दैट इंगेजिंग सेशन रहे तो एनी वेज विदाउट फर्दर टू डू में स्टार्ट करना चाहूंगा देखिए भारत जो है इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल सेशन भी कल किया था वैसे यूट्यूब पे वर्ल्ड टॉप आम इम्पोर्टर जो है दो हज़ार उन्नीस से दो हज़ार तेईस के बीच में वो इमर्ज हुआ है दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट तो अगर टॉप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की मैं बात करता हूँ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रांस रशिया चाइना जर्मनी फ्रांस ने काफ़ी बाजी मारी है एनी तो आप ये देख सकते हैं कि पांच सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया के तो एनी इंडिया क्या है वर्ल्ड टॉप इम्पोर्टर है अगर आप दो से दो के बीच में देखें तो उससे पहले के जो चार साल है दो से दो के बीच में उसके मुकाबले 4.7 परसेंट की वृद्धि हुई है हमारे इंपोर्ट्स में ऐसा स्वीडिश थिंक टैंक जो है सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि स्टॉकहोम में बेस्ड है स्वीडन में बेस्ड है उसके ऐसे आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं सो so, ये मतलब उसकी रिसर्च है उसके द्वारा बताया गया है सब कुछ ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है सो so, मतलब ये बहुत ज्यादा बेसिक सा पॉइंट है सबसे पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करें एंड ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग की मतलब यहाँ पे एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत टफ है हाँ जी हाँ जी सो so, ये मतलब आई रियली डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा टफ है मतलब इट्स वेरी बेसिक पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर कि आपको uh, मतलब काफी सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे आई एम श्योर यू हैव यू नो अंडरस्टूड द नेटिग्रिटीज आर अंडर अभी मैं और भी माइनर माइनर जो पॉइंट्स हैं उनको आपके समक्ष रखूंगा विल सर्टली बी यू नो पुटिंग दैम अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ यू गाइज सबसे पहले आपको एक्सपोर्टर पता चले

गॉट टू बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग एक बहुत सिंपल सा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ मतलब आप जब भी इस तरह की न्यूज आइटम पढ़ते हो वॉट एग्जैक्टली इज द थिंग विच यू गॉट बी फोकसिंग अपॉन मतलब कौन से ऐसे uh, हैं जो कि आपको फोकस करने कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं ये ऑफकोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ना हैविंग सेड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफकोर्स यहाँ पे फिर सऊदी अरेबिया है कतार है यूक्रेन पाकिस्तान है बाकी भी कंट्रीज है।, है तो अगर कोई पूछता है आपसे टॉप पे कंट्री कौन सी है, से एक में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा जो सीपरी की है कि इट इज फर्स्ट टाइम सिंस नाइनटीन सिक्सटी फोर इन इंडिया चाहूंगा देखिये आज भी रशिया का शेयर टॉप पे है और 36 परसेंट है लेकिन ये भी हमारे हिसाब से कम है क्योंकि हम लोग हमेशा 50% परसेंट से ज्यादा इंपोर्ट करते थे रशिया से, तो ये बहुत बड़ी एक टिल्ड इट so, मतलब एक चीज आप नोटिस करना जो मतलब बहुत एक बड़ा आंकड़ा मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि ये सप्लाइड अबाउट 55 परसेंट टोटल वेपन्स इंपोर्टेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो यूएस ने मोर देन 40% वेपन दुनिया को सप्लाई किया तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो यूएस ही है ये आप ध्यान में रखेगा तो यहाँ पे मैं आपको ना ये एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ इससे मेरे हिसाब से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी यू सर्टली गोइंग टू गेट अ प्रॉपर क्लैरिटी फ्रॉम दिस इसको प्लीज आप ध्यान से देखेगा सो यू आर गोइंग टू हैव अ गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस ठीक है आई थिंक इट्स विजिबल ऑन योर स्क्रीन ठीक है सबसे पहले मैं एक्सपोर्टर्स का डेटा आपको दिखा रहा हूँ ध्यान से देखो टॉप पे है यूएस फिर है फ्रांस फिर है वो यूएस के पास था जो बढ़कर सत्रह परसेंट से बढ़कर कितना हो गया नाउ दैट इज मैसेफ फ्रांस आज की डेट में ग्यारह परसेंट एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में मतलब ये 47 से इंक्रीज हुआ है रशिया इक्कीस परसेंट करता था दो हजार चौदह से अठारह के बीच में जो कम होकर ग्यारह परसेंट रह गया है तो रशिया ने एक डिप देखा है -53 का तो कह सकते हैं कि रशिया कम हुआ है है फ्रांस बढ़ा है। दूसरी बात है यूएस के वेपन ले रहा है सऊदी अरेबिया जापान कतार वहीं पे फ्रांस के वेपन में टॉप पे है इंडिया रशिया के भी वेपन के अंदर टॉप पे है इंडिया यहां तक कि इसराइल में भी टॉप पे इंडिया है इसराइल भी मतलब का जो आर्म्स एक्सपोर्ट पार्टनर है वो इंडिया है ये आप ध्यान में रखेगा तो कहां से वेपन एक्सपोर्ट और कहां जा रहा है उस डेटा में अगर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं तो जो चाइना है चाइना जो एक्सपोर्ट करता है टॉप फोर एक्सपोर्टर है दुनिया का इसका 61 परसेंट जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान में जा रहा है फॉलोड बाय बांग्लादेश फॉलोड बाय थाईलैंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाइना भारत के जो नेबर हैं उनको किस प्रकार से वेपन सप्लाई कर रहे हैं आप यहां पे देख सकते हैं कि चाइना का जो भी टोटल एक्सपोर्ट है उसका 61 परसेंट एक्सपोर्ट पाकिस्तान को इलेवन परसेंट बांग्लादेश को है दिस इज अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग सेवेंटी 72 परसेंट एक्सपोर्ट हमारे नेबरहुड में हो रहा है इनफैक्ट थाईलैंड भी एक्सटेंडेड नेबरहुड ही है हमारा तो लगभग अस्सी परसेंट चाइना का जो एक्सपोर्ट है वेपन का आर्म्स एंड एमशन का वो हमारे नेबरहुड में हो रहा है ये आपको ध्यान में रखना है दिस दिस इज इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अदर आई वुड से विच हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम श्योर कि आपको एक बेसिक आइडिया इसका जरूर मिला होगा You must have uh, certainly, you know, got the basic idea of this point, which of course is of immense importance. ji samajh आ gaya itna So any doubts in case you guys have, you surely can leave in the comment section. I hope ye point aapko clear ho gaya hoga जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, because of course these are very small points, but these are of course of immense importance. ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेगा। अब आप यहाँ पे अगर spy chart को भी देखते हो, तो आपको clarity मिल जाएग देखो दुनिया में फोर्टी टू परसेंट जो एक्सपोर्ट है वो यूएस कर, कर रहा है एंड रशिया तो ये आप देख सकते हो तो अगर आप टॉप थ्री एक्सपोर्टर्स को मिला लोगे तो मतलब आपको यहाँ पे लगबग, व, व, नो सेवेंटी फाइव परसेंट मैं बोलूंगा यहाँ पे सप्लाई आपको दिख जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री फोर सप्लाई तो ये यही लोग कर रहे हैं लगभग पचहत्तर परसेंट सप्लाई जो है वेपन्स की आपको इन तीन कंट्री से मिल रही है दुनिया के यूएस, रशिया एंड फ्रांस लेकिन रशिया यूएस के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान हैव इंक्रीज्ड टू 43% ऑफ वेपन्स फ्रॉम चाइना जो जो भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसका 82% तो चाइना से ही आ रहा है तो ये बहुत एक बड़ा रेवोल्यूशन uh, है कि चाइना की एक्सपोर्ट लिस्ट में पाकिस्तान टॉप पे है और पाकिस्तान की इम्पोर्ट लिस्ट में चाइना टॉप पे है उसके बाद स्वीडन है उसके बाद टर्की है यह आप ध्यान में रखें उसी प्रकार से इंडिया जब इम्पोर्ट करता है तो टॉप पे रशिया है फिर फ्रांस है फिर यूएस है ये आंकड़े मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनको आप ध्यान से देख लो तो इंडिया के आर्म्स में इम्पोर्टर्स जो है उसमें टॉप पे कौन है वो सब आपको पता होना चाहिए तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं दुनिया के आंकड़े देखता हूँ तो लगभग दस जो है नाइन पॉइंट एट परसेंट ओ बी प्रोसाइज

ठीक uh, है सीपरी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है और ये दुनिया में वगैरह के ऊपर जो कन्फ्लिक्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हैं और वो दुनिया के सामने जो आंकड़ा है वो पेश करते हैं सो so, yes, so, yes, समझ आया हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया तो मेरे हिसाब से मतलब जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं या मतलब ऑल दीज ऑल दीज आस्पेक्ट वी हैव टू यू नो अंडरस्टैंड प्रिसाइसली और उसी से एक भरपूर जो आइडिया है वो आपको मिलेगा यू आर गोइंग टू हैव अ गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑल एट द सेम टाइम इसको आप ध्यान में रखिएगा सो so ये मैं न्यूज़ अच्छे से एनालाइज करना चाहता था आपके लिए जो कि मैंने की है आगे बढ़े अब मैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के की बात करना चाहूँगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं बेटे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है निंगल नलम्मा पहली बात तो नाम से आपको एक आइडिया लग गया होगा नाउ वॉट इज द एम एम है टू इम्प्रूव हेल्थ इंडेक्स पहली बात दूसरा क्या है सोशल वेलबींग ऑफ ऑल ऑफ कोर्स और हम लोग uh, मतलब चाहते हैं टू मेक दम अवेयर ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कीम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ये देखें कि इसका एम क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंडेक्स एंड सोशल वेलबीर सिटीजन ऑफ तमिलनाडु गवर्न देखो ये वाला एंगल मुझे बहुत अच्छा क्यों लगा क्योंकि बहुत बार क्या होता है हो सकता है आपके लिए मेरे लिए कोई स्कीम हो लेकिन हम लोग इग्नोरेंट हैं या हम लोग अन अवेयर हैं दोनों में से कुछ भी हो सकता है दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम विच इज देयर सो प्रॉब्लम क्या होती है गवर्नमेंट ने स्कीम गवर्नमेंट स्कीम ले आई है अब भैया गवर्नमेंट तो स्कीम ले आई है लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा आप

कि कोई भी तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में वो बताएंगे उनको उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है तमिलनाडु गवर्नमेंट का वो इंश्योर करेगा कि जो भी, जो भी मतलब स्कीम्स के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो लोगों को उनको सही किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, कुल मिला के गवर्नमेंट जो तमिलनाडु की क्या एम कर रही है टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजन आर रिसीविंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम वेरियस स्कीम्स पहली बात और यहाँ पे ओवरऑल इनका लाइफस्टाइल जो है जो क्वालिटी ऑफ लिविंग मैं बोलना चाहूंगा वो इंप्रूव हो ऐसा माना जा रहा है ठीक है तो अब आपको यह पता चल गया कि स्कीम का नाम क्या, स्कीम क्या है, निंगल की है। तो ये क्या करना है? Well well जो है, वो करना है। लोगों का पहली बात दूसरी बात है उनको एटलीस्ट स्कीम्स के बारे में तो आइडिया हो वो यहां पर माना जा रहा है so cool, तो के बारे में जानकारी दे रही है कुल मिला अच्छा अब आप यहाँ देखो जैसे आपने अभी देखा होगा विडो मैरिज प्रमोशन स्कीम जो झारखंड की है कि दो लाख रुपए देंगे ये भी एक वैसी सी स्कीम है एक एम युवा स्कीम है उत्तर प्रदेश की कि यंग ऑन्टोप्रेनोर को हेल्प करेंगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम थी देन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट जो इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम है यू नो पाँच लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे हाउसिस बनाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है सीएम की नागालैंड के अंदर सवेरा प्रोग्राम है हरियाणा का डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो ये सब चीजें भी मतलब ये बाकी स्टेट से ला रहे हैं बट दे आर मोरल रिलेटेड इस तरह की हां तो yes, जी हाँ जी हाँ क्लियर हो गया इतना सो so, मतलब एवरी वन आई होप हैज अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स एक ठीक ठाक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रहा होगा ऐसा मेरा मानना है बस यही चीज दिस इज एक्चुअली वेरी और भारत के कुछ रिलेशन uh, पे बात करना चाहूंगा so, ने किया इंडिया भूटान का फूड सेफ्टी अग्रीमेंट बहुत बढ़िया फूड सेफ्टी अग्रीमेंट को प्रूव किया है अब आप एक चीज नोटिस करो यू नो अग्रीमेंट बिटवीन भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की हम बात करते हैं तो इसको बफडा बोलते हैं एंड एंड ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया एक एक बॉडी uh, है इंडिया में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को देखती है अब हम लोग फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो हम भूटान के अंदर भी मतलब उनको हेल्प करेंगे फूड सेफ्टी के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है तो पहले तो आप ये देखो कि साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट जो हुआ बफडा यानी कि भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी और अफकोर्स एफ एस एस आई जो है

काफी इंपॉर्टेंट है so, से जो आते हैं, उसको लेकर बी बात की एट इज बी भूटान फूड एंड वो बी है वो इशू करेगी ऑफ कंप्लायंस जो आई की जो कंप्लायंस होती है स्ट्रिक्ट कि वो शो करेगा कि हाँ भाई ये कम्पलाइंट है कि नहीं है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मतलब वी आर सपोज टू वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड्स ध्यान में रखिएगा तो इसमें आई थिंक पहली बात तो ये है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज को समझने में तो ईज ऑफ डूइंग वो होगा तो सवाल यही आएगा आपको अगर आता है तो कि भाई किस आ, किस कंट्री की जो फूड सेफ्टी की बॉडी है उसके साथ हमने आ, एक एमओ साइन किया है अग्रीमेंट साइन किया दैट इज भूटान ये आपको पता होना चाहिए एफ एस एस आई के बारे में तो पता ही होगा आपको एक स्टैचुरी बॉडी है फूड सेफ्टी एक्ट जो दो हज़ार छः का था उसके तहत बनी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है डेली में दो हजार आठ में इस्टेब्लिश हुई थी तो ये एक्ट जरूर है दो हजार छः का लेकिन दो हजार आठ में ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई है वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस एस्पेक्ट तो मतलब आप ये नोटिस करो मतलब दीज आर नॉट द पॉइंट्स व्हिच आई थिंक आर डिफिकल्ट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड आपको बस एक सिंपल सा आइडिया होना चाहिए अगर आपको पता है दैट इज एब्सोल्युटली फन

वहां पर हमने देखा है कि एटमोस्फेयर रिसर्च टेस्ट बेड जो कि फैसिलिटी है यहाँ पे सिलखेड़ा जो सियोरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको लाया गया सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पहले तो आप ये ध्यान में रख लेना कि एमपी में कहां पे हुआ है तो ये आपको ये पता चल गया यहां पे हुआ है वाई इज इट सो मच इंपॉर्टेंट देखिए एक बहुत बड़ा माइल क्यों है बिकॉज इंडिया की जो जर्नी है टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन वॉट

तो तो ये 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 1962 में बना था इतना मैं आपको बताया था हूं। ठीक है है इसी का इनिशिएटिव तो पर ये है? Uh, समझ आ ये क्या करेगी? Uh, जो क्लाउड सिस्टम्स होते हैं उनको कॉम्प्रीहेंड करना उनसे डेटा एनालाइज करना लैंड एटमोस्फेरिक सिस्टम हो गए लो प्रेशर सिस्टम है डिप्रेशन है लो प्रेशर ट्रफ बन रही है कहां पे हाई प्रेशर ट्रफ बन रही है उसको देखना

अच्छा इंडिया में आपको बताया दें थ्री डी प्रिंटेड हमने बहुत कुछ बनाया है जैसे पोस्ट ऑफिस भी बनाया है यू नो आर्मी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बनाई बट यहाँ पे दुनिया की पहली थ्री डी प्रिंटेड मॉस्क मस्जिद जो है वो बनाई है यू नो वर्ल्ड फर्स्ट एवर मॉस्क क्राफ्टेड थ्रू द टेक्निक ऑफ थ्री डी प्रिंटिंग थ्री डी प्रिटिंग क्या होती है मैं बता चुका हूँ एडिटेड मैनुफैक्चरिंग जिद्दा में बनाई है तो ये आप ध्यान में रखिएगा इनकी कैपिटल तो रियाद है लेकिन जिद्दा आपको पता होगा ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री ओ की भी हेड क्वार्टर जिद्दा में है मक्का मदीना जो है मतलब होली सिटीज़ उसके बहुत पास में है तो अलजवारा सबब जो है वहाँ पे है इट इज़ नेम्ड आफ्टर लेट अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला ठीक है तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आ, यहाँ पे सऊदी अंत्रनोर जो है बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कि दुनिया की पहली थ्री प्रिंटेड मॉस्क जो है वो कहाँ पर बनाई गई है सो इट हैज़ बीन मेड इन सऊदी अरबिया अब ये जानना इतना मुश्किल भी नहीं है आप ऐसे याद रख लो ना कि मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लाम इस्लाम्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री सऊदी अरबिया तो वहां पर बनी है दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ठीक है सो इस मॉस्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबती मॉस्क थ्री प्रिंटिंग से ये बनी है ऑफ कोर्स और जो चाइनीज फर्म है ग्वानली तो ये आप बस इतना याद रखना कि उसने ये बनाई है हालांकि ये इतना पूछेगा नहीं पूछेगा कि कहाँ पर है और मतलब जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है उससे बहुत अलग बनी है और हमने बिल्डिंग डिजाइन के ऊपर काफी फोकस किया है इसमें

और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आपका मैं बोलूंगा फिनिशिंग जो है वो बहुत बढ़िया आती है दिस इज वन पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मतलब पीपल गो फॉर दिस थिंग ये जो टेक्निक है आज की डेट में काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो गई है आ, जो भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स बाकियों के मुकाबले हम देखते हैं सो यस दिस इज वन पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉट इट सो मतलब आई रियली होप कि आपको जो भी मैं मतलब पॉइंट्स यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ वो समझ आ रहे होंगे दैट्स वन थिंग ऑफ कोर्स और ऑन टॉप ऑफ दैट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई कोई भी चीज़ जो है मतलब आप अगर स्टार्टिंग में पढ़ते हो स्टार्टिंग में हमेशा ऐसा लगता है कि भाई बहुत टफ है या कैसे हम लोग माइंड में रखें बट स्लोली एंड स्टेडली बी एबल टू तो डू वेल तो उसमें तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है मतलब स्टार्टिंग में हमेशा एक इनर्शिया रहता है ये चीज़ों को समझने में

इन थाईलैंड ऑफ कोर्स तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है कि यू uh, नो you know, जब भी हम लोग बात करते हैं uh, ये अनोन स्पीशियस एंड साइंटिफिक क्लेसिफाइड एज यू स्कॉर्पोज क्रैचन क्यों क्रैचन क्यों क्योंकि करैचन नेशनल पार्क के ऊपर हमने नाम रखा है अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है uh, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मतलब जब भी हम स्कॉर्पियन की बात करते हैं यू नो टॉक द स्कॉर्पियन इन केस यू डोंट नो लिमिटेड यू तो हम लोग क्या देखते हैं स्कॉर्पियंस आर आचनिट्स दे हैव लाइक एट लेग्स ऑफ कोर्स लेग्सोर्स जैसे स्पाइडर्स होते हैं वैसे ही हम लोग क्या देख रहे हैं इनकी एट जो लेग्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड एनी तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो uh, जो हमने मतलब ऑब्जर्व किया है यू नो एट आईज एंड एट लेग्स जो देखा है ये हमारे लिए मतलब जो काफ़ी एक नई चीज़ है जो आप ध्यान में रखिएगा सो दिस इज़ कोर्स क्वाइट इम्पोर्टेंट और uh, मतलब ये मतलब बहुत ही एक astonishing चीज़ हमें देखने को मिली है बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि इसका नाम किस पे रखा है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्कॉर्पिज क्रैचिन जो है जो पार्क है जहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस मिली है हमें वहाँ पे जो थाईलैंड का पार्क है वी हैव फाउंडेड टू वर और उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया सो आई डोंट थिंक इसको और ज़्यादा मतलब आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना इतना अगर आपको पता है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन ये अब ध्यान में रखेगा और वाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी मतलब हम स्कॉर्पियन की जब बात करते हैं तो इन जनरल मतलब किस प्रकार से हम लोग उसको एक स्पीशी के रूप में देखते हैं ये काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्लियर हो गया इतना तो आ, मतलब काफी इम्पोर्टेंट है सो हाँ आज नेट्स जो है आ, मतलब उस उस डोमेन में हम लोग डाल कर इनको देखते हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्लियर हो गया इतना हाँ जी हाँ जी क्योंकि uh, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है यू uh, नो you know, कि कौन सी क्लास है तो जब भी हम स्कॉर्पन्स स्कॉर्पियस को देखते हैं यू नो वी लुक एट द या स्पाइडर्स टेक्स माइट्स ये जितने भी है तो दे आर अ पार्ट ऑफ अरेचनेट क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आता है अरेच अरेच वो एक ही बात है सो इट्स अ क्लास ऑफ जॉइंट लेग्ड आर्थ्रोपॉड जो है तो uh, तो मतलब बेसिकली आर्थ्रोपॉड एक बड़ी क्लास हो गई ना आर्थ्रोपॉड तो उसी के अंदर आप डाल के इसको देख रहे हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज तो हम जब भी बात करते हैं आर्थ्रोपॉड की तो उसके अंदर ही आता है तो बेसिकली जो जॉइंट लेग्ड आर्थ्रोपॉड्स हैं वही आर्चनेडा है इतना आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना जो इनवर्टिड्स है इन नो तो वो तो है ही है लेकिन हम लोग उसी के अंदर क्या देख रहे हैं उसी के अंदर हम लोग देख रहे हैं अरचनेट आते हैं तो आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ठीक है so, सो जो भी विप स्पाइडर्स है या फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉर्पियस हैं टिक्स हैं माइट्स हैं दे आर ऑल यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे

वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें क्लियर हुआ जी इतना सो so, इसमें तो आई थिंक मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा नहीं जो आपको ना समझ आए दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट टू बीडरस्टेंड इंडिंग सेट दैट ये आप ध्यान में रखिएगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉन्च किया तो आपको पहले तो पी एम सूरज की फुलफॉर्म पता होना बहुत जरूरी है जो कि मैंने आपको बताई है एंड एक चीज आप नोटिस करना कि जब भी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रायोरिटी भी देखोगे तो वो क्या रही है हमेशा कि भाई जो मतलब सबका साथ सबका विकास हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है तो सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जो जन कल्याण है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्रेडिट सपोर्ट भी देगा ऑन्टोप्रन्योर्स तो को जो कि इम्पोर्टेंट है और मतलब यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने द विदिफेस्टो ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स चाहे वो एस है चाहे वो बी है सैक्शन वर्कर्स है

फ्राम ऑफकोर्स डिसडवान्टेज ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप ध्यान में रखिएगा और uh, मतलब वैन वी टॉक बोलते हैं यू नो फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्स मोर देन सेवन हंड्रेड करोड्स डायरेक्टली इन टू द बैंक अकाउंट ऑफ यू नो वन लैक बेनिफिशरीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि कोई भी मिडल मैन नहीं आता बिचौलिए जो होते हैं वो नहीं आते ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर सिस्टम माना गया है ना सिर्फ इंडिया में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखेंगे इस चीज़ को होते हुए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आया जी इतना सो आई होप एवरी वन हैज नो गॉट अ गुड डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ठीक ठाक जो क्लैरिटी है वो आपको यहाँ पर मिल पा रही है बिकॉज मतलब आई आई वुड कि आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत हाई होनी चाहिए यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से देखें दिस इज ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ठीक है बहुत बढ़िया हाँ जी हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अब आप यहाँ ध्यान में देखें ध्यान से देखें ऑनरेबल प्रेसिडेंट की मैं बात करता हूँ दोपदी मुर्मू जी की यू नो शी हैज शेजबिन कॉन्फर्ड विद ऑनरेडी डॉक्टरेट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो यू नो ऑनरेडी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने इनको दिया है तो देखिए ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता है ठीक है आप देखेंगे एवरी नाउ एंड देन बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ होती हैं दे आर ऑनर्ड विद दिस थिंग बाई बिकॉज़ एक तरह से मतलब बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है तो किसी को भी मिलता है ये आप ध्यान में रखिएगा और uh, मतलब इंडिया हैज़ ऑफकोर्स यू नो अप्रूव्ड स्पेशल प्रोविजन टू ग्रांट ओ सी आई टू द सेवन जनरेशन ऑफ इंडियन औरिजन मॉरिशस तो ये भी एक उसका आप देख सकते हैं कि मतलब एक तो गिव एंड टेक वाली बात होती है तो एक रिस्पेक्ट की बात होती है तो आप ये ध्यान में रखिएगा शी इज़ एम्फिसाइज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मेटेनिंग स्ट्रॉग टाइज विद इंडिया क्योंकि आप देखोगे मॉरिशस you know, में अगर आप ध्यान से देखें तो यू विल बी वेरी मच अमेज थी उसी की बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं ना भारतीय मूल के लोग रहते हैं तो उसको उस प्रकार से भी अगर आप देखते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो मॉरिशस के साथ बहुत खास रहा है शुरू से क्योंकि हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा खास रहा है तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए मतलब हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए दैट इज़ वॉर आई फील्ड तो ये आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा सो दिस इज़ वाई दिस इज ऑल्सो रीजन वाई इट वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज़ लास्ट न्यूज आइटम बट नॉट द लीस्ट कोर्स गूगल जो है ये मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि, किसके किस साथ पार्टनर किया इलेक्शन जनरल इलेक्शन तो अब याद रखेगा तो टू प्रोवाइड अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन वोटिंग प्रोसेस फॉर द अपकमिंग जनरल इलेक्शन इसके लिए गूगल हैजनर विदेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेटिंग इट सो so, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी चीज़ है तो थ्रू गूगल सर्च एंड यूट्यूब वीडियोज़ वोटर विल बी एबल टू एक्सेस क्रिटिकल डिटेल्स ऑन हाउ टू रजिस्टर एंड हाउ टू वोट तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल पाएगी एंड गूगल हैज़ ऑफ कोर्स टेकन न्यू मेजर्स टू वॉट टू कॉम्बेट मिस इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड uh, हम लोग देखेंगे इट विल हेल्प पीपल नेविगेट आर्टिफिश इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट ड्यूरिंग द अपकमिंग जनरल इलेक्शन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मतलब देखो कुल मिला के हम लोग जब बात करते हैं जैसे इन्हीं मेजर में से एक बहुत इंटरेस्टिंग मेजर है गूगल इज गोइंग टू कलेबरेट विद शक्ति द इंडियन इलेक्शन यू नो फैक्ट चेकिंग कलेक्टिव जो है उसके साथ भी गूगल कोलेबोरेट करेगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट है देखो इलेक्शन में सबसे बड़ी जो समस्या यही होती है मिस इन्फॉर्मेशन हाँ जी हाँ जी ठीक है एनी एनी पर्टिकुलर इन केस यू है कोई भी अगर डाउट आपको मतलब यहाँ पे नहीं समझ आता तो मुझे बता सकते हैं एनी वेज लेट्स गो फॉर द रिविजन पार्ट कुछ क्वेश्चन जो है वो करते हैं आई आई टी मैंने जो क्वेश्चन आपको पूछा है आई होप यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट वो अभी तक आप भूले नहीं हो I'll, I'll उसको मैं रिया ट्रेट कर दूंगा बट एनी वे टाइम फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन सही इज सीपरी की रिपोर्ट आई है uh, वर्ल्ड आम इम्पोर्टिंग कंट्री जो है लेटेस्ट रिपोर्ट में तो आप uh, मतलब इंडिया पोजिशन क्या है उसके अंदर तो इंडिया की पोजिशन है नंबर वन दट्स वेरी मच ईजी तो भारत जो है वह एक नंबर स्थान पर है यह आप जानते हैं और अगर मैं एक्सपोर्टर्स की बात करूं तो उसमें यूएसए टॉप पे है ये आपको बताना चाहिए तो भारत लगभग नौ नाइन पॉइंट एट परसेंट टोटल इंपोर्ट्स के इंपोर्ट करता है और दुनिया के अराउंड फोर्टी टू परसेंट टोटल एक्सपोर्ट्स में वी हैव सीन है दैट जो एक्सपोर्ट है यूएसए का है तो यूएसए टॉप पे है फिर जो फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयड ठीक है एज एट एम यू स्कीम यूपी ठीक है नागालैंड के यहाँ ये है वेडोरम है झारखंड है लेकिन आ, निंगल नलम्बा स्कीम उड़ीसा की नहीं है बेटे तमिलनाडु की है ये स्कीम्स के बारे में जानकारी देने की स्कीम है सो ये आई थिंक हमने अच्छे से बात कर ली इसके बाद ठीक है अच्छा फूड सेफ्टी के रिलेटेड एग्रीमेंट हमने किया है किस कंट्री के साथ सो so, ये तो मैंने अच्छे से बताया था बफडा है एफ एस बफडा तो बफडा कहाँ है बेटे भूटान की है तो ऑफकोर्स हमने इनके साथ किया सो आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको मतलब एज दिक्कत आएगी बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू बी लुकिंग एट समझ आ गया जी इतना तो आपको मतलब जो भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसी से यू यूर यूर बाउंड टू हैव अ गुड लेवल ऑफ क्लैरिटी ये आप ध्यान में रखिएगा एनी वेज नेक्स्ट पे चलते हैं सो एटमोस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड जो है यानी कि आर्ट फैसिलिटी इट हैज़ बीन हैजिन विद स्टेट तो सहोर डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज ऑफ मध्य प्रदेश तो वहां पर हुई है अगेन आई वुड लाइक टू रियाटेड क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आई आई टी एम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटोलॉजी कहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की लोकेशन क्या है यह मुझे कमेंट करके बताएंगे सब लोग इन द कमेंट सेक्शन इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो मैंने उससे भी पूछा था अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट में हम बात करते हैं एक कंट्री के बारे में बताएं जिसने वर्ल्ड फर्स्ट एवर थ्री प्रिंटेड मॉस्क जो है उसको अनवील किया है उसको सबके समक्ष रखा है दैट इज अगेन माई क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सो अगेन जिद्दा की बात है जिद्दा दैट इज इन सऊदी अरेबिया वहां पर हमने देखा है दुनिया की पहली थ्री प्रिंटेड मॉस्क

तो इसका नाम भी हमने रखा है, क्रैचन। so, जो क्रैचन है, वो क्या है? पहली बात ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं हो रही है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो ये सोच के बताओ कि पीएम सूरज जो स्कीम है बहुत ज्यादा न्यूज में थी ये किसके लिए पहले तो आपको पीएम सूरज पता होना चाहिए पीएम के प्रधानमंत्री सूरज क्या है सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण जनकल्याण so, सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण जो है तो इसी नाम से आपको पता चलता है किसके लिए होगी के लिए होगी हो कि नहीं होगी तो सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जो जन कल्याण है तो वहीं से हम लोग इसको हिट कर देते हैं एस प्लस है ना तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनको कॉन्फर किया गया uh, किस कंट्री के द्वारा जो ऑनरेडी डॉक्टरेट है इट इज ऑफ कोर्स बाय मॉरिशस तो आपको ये भी मैंने बताया कि मॉरिशस जो है उसके साथ हमारी खास रिलेशन इसलिए भी है क्योंकि हमारा डायस्पोरा बहुत है कई जनरेशन से जो भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रह रहे हैं मैंने ये भी आपको बताया आ, कि मतलब यहाँ पे थ्री डेज़ की विजिट पे अभी गई थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट और इंडिया इज़ अप्रूव्ड अ स्पेशल प्रोविजन कि हम लोग ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया देंगे टू सेवन जनरेशन इंडियन ओरिजिन पीपल सात सात जनरेशन से भी जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको भी हम लोग देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई एम आई एम वेरी मच होपफुल कि बोले इससे बहुत ज़्यादा एक बेहतर जो एक पिक्चर है वो मतलब हमारी सशक्त एक सशक्तिकरण होता है मतलब उस पर्टिकुलर पिक्चर का एंड uh, मतलब वी हैव हाँ टू बी वेरी क्लियर इन दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट इज व एनी वेज आई होप यू मॉइट द सेशन लाइक ऑलवेज बाकी आप एम्बाइप डॉट कॉम पर जाकर रजिस्टर करें और वहाँ पर आप क्या क्या करना है यहाँ पर सी डी एस क्लिक कर दो डन कर दो उसके बाद आप जाओ होम पे उसके बजाय एम्बाइब लाइव क्लासेस पे यू विल सी मे पिक्चर लाइक दिस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है फिफ्टीन मार्च ट्राइब्स ऑफ इंडिया का एक क्विज करवा रहा हूँ मैं तो so इसको रजिस्टर ना कर दो एंड यू विल वि रजिस्टर्ड लाइक दैट सो आई थिंक इट्स आज सिंपल इज दट सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस क्विज बिकॉज दिस इज गु बी सुपर अमेजिंग क्विज फॉर यू गाइज तो एम्बाइब डॉट कॉम पे जाएँ या फिर एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें दैट्स टोटली यू तो होम पे जाके एम्बाइब लाइव क्लासेस पे जाके आप आराम से इसको मतलब कर सकते हो अटेंड एंड आई कैन अश्योर यू दैट इज गोइंग टू भी सुपर अमेजिंग फॉर ऑल द पीपल ऑफ देंड अगर कोई भी मतलब आस्पेक्ट ऐसा लगता है कि इसे समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ डू लेट पी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट जरूर करके बताना क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बिकॉज दैट इज गोइंग टू भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दट्स दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माई साइड आई होप यू इंजॉय दिसशन आई होप यू गेंड इमेंसली फ्रॉम दिस सेशन जुड़े रहें जानते रहें सीखते रहें नई नई चीजों को थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद Keep imbibing. We believe in you.